नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे मतलब भारत के लोगों का विश्वास या कहें भारतीय लोगों का भरोसा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे में एक दिन में कितने लोग सफ़र करते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि भारतीय रेल द्वारा एक दिन में कितने टन माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती है? नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। एक दिन में लगभग 231 लाख लोग एक दिन में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। उसी तरह एक दिन में 33 लाख टन माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती है, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। यह सब तो होगी फैक्ट्स की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल चीज। तो एक मालगाड़ी को या फिर एक यात्री गाड़ी को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि उसके ऊपर का भाग हो गया, वह हो गया उसका बॉडी। जैसे उसके नीचे पहुँचे तो वह होगा बोगी या फिर ट्रॉली, जिसमें चक्के फिट होते हैं। तीसरे नंबर पर बात करें तो होता है कपलर। कपलर कहने का मतलब है जिससे दो वैगन या फिर दो कोचों को आपस में जोड़ा जाता है, वह कहलाता है कपलर। चौथे नंबर पर बात करेंगे तो वह है ब्रेकिंग सिस्टम की। पाँचवें नंबर पर बात करें तो वह है रनिंग गियर्स पार्ट्स, जो उसके बॉडी के नीचे लगे होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, ब्रेकिंग सिस्टम के एक पार्ट्स के बारे में, जिसका नाम है ब्रेक सिलेंडर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेक सिलेंडर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वेगन या फिर कौन से कोच में कौन सा ब्रेक सिलेंडर उपयोग होगा, ब्रेक सिलेंडर का साइज कौन कौन सा होता है, इन सभी चीज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। भारतीय रेल में एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एयर ब्रेक सिस्टम कहने का मतलब कि वातावरण से हवा को इकट्ठा करके एक टैंक में रखा जाता है, जिसको कंप्रेस करके वेगनों में 5 किलो पर सेंटीमीटर या फिर 6 किलो पर सेंटीमीटर² की प्रेशर से वेगनों या फिर कोचों में भेजा जाता है। ब्रेक सिलेंडर के बारे में जानने से पहले हम लोग एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक पाइप, डर्ट कलेक्टर, डीवी, एयर चेंबर, ब्रेक सिलेंडर, डीवी, सीपीबी या क्या कहें तो कॉमन पाइप ब्रेकेट, पीछे में सीयर, ब्रेक बीम, ब्रेक ब्लॉक और व्हील। ब्रेक सिलेंडर के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले एयर ब्रेक सिस्टम कैसे कार्य करता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी अन्य वीडियो में हम एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में संक्षिप्त में समझते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम में तीन प्रकार के प्रोसेस होते हैं। पहला है चार्जिंग, जिसमें लोको पायलट द्वारा कंप्रेसर की मदद से सभी वैगनों या फिर सभी कोचों को 5 kg/cm² से चार्ज किया जाता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन और तीसरा है रिलीज प्रोसेस, जिसके दौरान ब्रेक ब्लॉक को व्हील से हटा दिया जाता है और वेगन को फ्री कर दिया जाता है। चार्जिंग के दौरान डीवी, एयर मतलब ऑक्सिलरी रिजर्वायर और सीयर मतलब कंट्रोल रिजर्वायर दोनों को 5 kg/cm² से चार्ज करता है। इसके दौरान जो ब्रेक सिलेंडर में जो हवा मौजूद होती है, जो वह सभी डीवी में लगी एग्जास्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है। दूसरा प्रोसेस है एप्लीकेशन, जिसके द्वारा लोको पायलट द्वारा 1 से 1.5 kg प्रेशर को कम या फिर ड्रॉप किया जाता है। इसके उपरांत डीवी का कार्य होता है, जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर
का कनेक्शन है उसका कनेक्शन बीसी या फिर ब्रेक सिलेंडर से कर देते हैं और इसी समय ब्रेक एप्लीकेशन होता है और ब्रेक ब्लॉक जाके व्हील से चिपक जाता है। और तीसरा प्रोसेस है वह है रिलीजिंग का, जिसके दौरान ब्रेक ब्लॉक को व्हील से हटाना है और वेगन या फिर कोच को फ्री करना होता है। इसके दौरान लोको पायलट द्वारा फिर से पुरानी प्रेशर या फिर 5 kg प्रेशर बनाया जाता है। इसके उपरांत टीवी ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कनेक्शन डीसी से कट कर देता है और ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट से कर देते हैं, जिससे ब्रेक सिलेंडर में भरी हवा एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाती है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेक सिलेंडर के बारे में। तो यह एक सिलेंडर के आकार का होता है। डीवी की मदद से ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भरा हुआ ब्रेक सिलेंडर में भरा जाता है, जिसके दौरान ब्रेक सिलेंडर में लगा पिस्टन बाहर निकलता है और रनिंग गियर पार्ट्स की मदद से ब्रेक लग जाता है। तो ब्रेक सिलेंडर को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला कोच में उपयोग होने वाले ब्रेक सिलेंडर के बारे में और दूसरा वेगन या फिर मालगाड़ियों में उपयोग होने वाले ब्रेक सिलेंडर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम कोच में उपयोग होने वाले ब्रेक सिलेंडर के बारे में। तो भारतीय रेल में वर्तमान में अभी दो प्रकार के कोच उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है LHB कोच और दूसरा है ICF कोच। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ICF कोच के बारे में। तो ICF कोच में जो ब्रेक सिलेंडर उपयोग किए जा रहे हैं उसका डाया होता है वह होता है 8 इंच या फिर 203 mm का। ICF कोच में एक ट्रॉली में दो ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है, जबकि एक कोच में 4 ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है। अब हम बात करेंगे LHB कोच के बारे में। उसमें जो ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है वह होता है 10 इंच या फिर mm में कहें तो 255 mm का। LHB कोच में एक बोगी या फिर एक ट्रॉली में 4 ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जाती है और एक कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एक वेगन में जो ब्रेक सिलेंडर होती हैं उसके बारे में। तो वेगन में 4 प्रकार के ब्रेक सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं, जिसमें होता है 8 इंच 10 इंच 12 इंच और 14 इंच। भारतीय रेल में एक वेगन में दो प्रकार से ब्रेक सिलेंडर फिट होती हैं, पहला जो होती हैं बॉडी में फिट होती हैं और दूसरा जो होती हैं ट्रॉली में या फिर बोगी में फिट होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 14 इंची ब्रेक सिलेंडर के बारे में। तो 14 इंच के ब्रेक सिलेंडर का उपयोग अंडर फ्रेम बॉडी वाले में किया जाता है, जो होता है बॉक्सन BCN BTPN BTPG LN इन सभी में 14 इंच के ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें 14 इंच की ब्रेक सिलेंडर की, अगर इसको हम mm में बोलें तो वह होता है 355 mm। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम 12 इंच के ब्रेक सिलेंडर के बारे में। तो 12 इंच का ब्रेक सिलेंडर उपयोग होता है वह होता है बॉक्सन HL BCN HL और ब्रेक वैन के एक प्रकार है BVZC, इन सभी में 12 इंच के ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम 10 इंची ब्रेक सिलेंडर के बारे में। तो 10 इंची ब्रेक सिलेंडर का उपयोग होता है BMBS सिस्टम में या फिर MBS सिस्टम में। इसका फुल फॉर्म होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। BMBS ब्रेक सिलेंडर का प्रोडक्शन दो कंपनियां करती हैं, एक है नॉर कंपनी और दूसरा है स्कॉट कंपनी। नॉर कंपनी जो ब्रेक सिलेंडर बनाती है उसके ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है वह होता है 10 इंच का, जबकि स्कॉट कंपनी जो ब्रेक सिलेंडर बनाती है उसका डाया होता है वह होता है 11 इंच का। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम 8 इंच के ब्रेक सिलेंडर के बारे में। तो 8 इंच के ब्रेक सिलेंडर का उपयोग होता है BVZI ब्रेक वैन में, जिसमें ICF ट्रॉली उपयोग की जाती है। ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। भारतीय रेल में लोको पायलट द्वारा दो प्रकार से ब्रेक लगाई जाती हैं, पहला इम्पटी कंडीशन के लिए अलग, जब वेगन खाली अवस्था में हो उसके लिए अलग, और जब वेगन या फिर मालगाड़ी भरी हो उस कंडीशन में अलग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम खाली कंडीशन में। खाली कंडीशन में जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर होती है वह होती है 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि मालगाड़ी भरी कंडीशन में हो उस कंडीशन में 3.8 प्लस माइनस 0.01 kg पर सेंटीमीटर
स्क्वायर की प्रेशर से ब्रेक लगाई जाती है। ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर लोको पायलट के द्वारा जो ड्रॉप एयर को ड्रॉप किया जाता है उस पर निर्भर करते हैं। वह जितना ड्रॉप करेगा उसका 2.5 गुना ही प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में अप्लाई होता है। ROH के दौरान या फिर POH के दौरान ब्रेक सिलेंडर को ओवर हॉलिंग किया जाता है। इसके दौरान ब्रेक सिलेंडर को पूरी तरह से साफ सफाई किया जाता है, उसमें ग्रीसिंग किया जाता है। ब्रेक सिलेंडर के पीछे ड्रेन प्लग वॉशर होता है जिसका उपयोग ब्रेक सिलेंडर से हवा को निकालने में किया जाता है। जब कभी ब्रेक बाइंडिंग होती है तो एक विकल्प के रूप में उस ड्रेन प्लग वॉशर को ढीला कर दिया जाता है, उस ब्रेक सिलेंडर में भरी हवा को वातावरण में निकाल दिया जाता है जिससे ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो जाती है। मुझे लगता है कि अब आपको ब्रेक सिलेंडर के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।